पेगासस जासूसी मामले में छत्तीसगढ़ के कनेक्शन की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों की जासूसी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, यह प्रजातांत्रिक देश है। पेगासस जासूसी मामले में मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बात सामने आई है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी के लोग छत्तीसगढ़ आए थे और कुछ लोगों से मिले भी थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने स्तर पर पेगासस मामले की जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए कि वे किन से मिले थे और किस तरह की डील हुई थी। भूपेश बघेल ने कहा कि वो कह रहे हैं कि भारत सरकार को सेवा देते हैं, भारत सरकार को बताना चाहिए कि उनसे डील हुई या नहीं हुई। मंत्रियों, विपक्ष के नेता और पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करा रहे हैं, आखिर उद्देश्य क्या था? ये तो पूरे देश को जानने का हक है, आखिर इसमें डील हुई या नहीं हुई। मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल किया कि दूसरे देशों में जांच हो रही है, यहां क्यों नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट करके सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के समय पेगासस के लोग छत्तीसगढ़ भी आए थे, हमने उसकी जांच शुरू की है। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सरकार ने अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें पुलिस महानिदेशक, आईजी इंटेलिजेंस और जनसंपर्क आयुक्त शामिल हैं। जानकारी मिली थी कि पेगासस कंपनी के लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ कुछ लोगों से संपर्क किया गया था, तो हम लोगों ने उसकी जांच कमेटी गठित की है और ये बात तो निश्चित है कि वो लोग आए थे, लेकिन किससे मिले, क्या बात हुई, क्या डील हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही, लेकिन आए तो थे ज़रूर। तो इसको रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि कौन है, किससे मिले, क्या डील हुई, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। ये तो पहले ही बात हो गई थी, ये मामला पहले आया था। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम केवल सरकार को ही सेवाएँ देते हैं, भारत सरकार को बताना चाहिए उन्होंने सेवाएं उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और डील हुई तो कितने की हुई, किससे हुई, कितने दिनों तक के लिए हुआ और क्या क्या किया। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराए, अन्य लोगों की जासूसी कराए, आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का। ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को 4 साल बाद जासूसी की याद आ रही है। पेगासस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मेरी खुली चुनौती है, उनकी सरकार है, जो जांच कराना चाहे करा ले। मुख्यमंत्री अब तक सो रहे थे, जो 4 साल बाद उन्हें अचानक सब याद आया। रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस के हाथ गंदगी से सने हुए हैं, इसीलिए हमेशा तथ्यहीन, झूठे और अनर्गल आरोप गढ़ते रहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।